दोस्तों एक ऐसी घटना जो इंसानियत को शर्मिंदा कर देगी। ऐसे इंसानियत के दुश्मनों को कौन सी सजा दी जाए, सारी सजाएं इनके लिए कम है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। नागपुर महाराष्ट्र में एक घटना हुई जहां पर परिवार के सभी सदस्य मरे हुए पाए गए, जिसमें 14 साल की एक लड़की, 11 साल का एक लड़का और पति पत्नी शामिल है। आलोक कुमार की लाश पंखे से लटकती हुई पाई गई। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि इन्होंने आत्महत्या कर ली। वारदात जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आलोक कुमार की गंदी नजर अपनी साली पर थी, जिसके लिए उसकी साली अमीषा ने उसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, पर बहन ऋचा के कहने पर उसने रिपोर्ट वापस ले ली। वारदात की रात ऋचा ने आलोक से कहा कि वो अमीषा को परेशान करना बंद कर दे, नहीं तो ऋचा उन्हें छोड़कर चली जाएगी। ये सुनकर उसी रात आलोक ने पहले चाकू से गला रेतकर ऋचा की हत्या कर दी। बीच में आ रहे 11 साल की लड़की को भी चाकू मार दिया और फिर 14 साल की बेटी को भी मौत के घाट उतार दिया। आलोक इतने पर भी नहीं थमा और उसने अपने ससुराल पहुंचकर ससुराल में सास की हत्या कर दी। इसके बाद बीच में आ रही अमीषा की भी हत्या कर दी और खुद घर पर आकर फांसी के फंदे पर लटक गया। अमीषा की रिपोर्ट में यह पता चला कि हत्या के बाद उसके साथ रेप हुआ था। आलोक ने इस दरिंदगी भरी वारदात को अंजाम दिया और खुद को भी मौत के घाट उतार लिया। इंसान गंदगी के किस लेवल तक जा सकता है? आलोक ने अपने घृणित वारदात से इंसानियत पर से भरोसा उठा दिया है। उसके मन में इतनी दरिंदगी भरी थी कि अपना परिवार भी नहीं दिखा। आपकी इस घटना पर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इस घृणित कारनामे को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें कि लोग ऐसे इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले लोगों के बारे में जानें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।